जय माता दी, राम राम। कैसे हैं आप सभी? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। तो जी, अभी बजे हैं शाम के 7:47 हो गए, और आज खाना नहीं बनेगा घर में। आज खाना क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि आज हमारे जंगल में था बढ़ेरा, देवता मंडोर जी का बढ़ेरा करते हैं सारे गांव के। आटा, चावल, खिचड़ी, जैसा भी जो भी फसल आई होती है उस फसल का थोड़ा थोड़ा अनाज हिस्सा, जैसे कणक के टाइम में प्रसाद फुलके बनते हैं और मक्की के टाइम में जो है खिचड़ी बनती है, तो दालें होती है जैसे सर्दियों में, सर्दियों की फसलों में, और अपने मक्की होती है, ये सारी चीज़ें लेके जंगल में सभी लोग जाते हैं गाँव के, और वहाँ पे जो है बनाते हैं खिचड़ी। पहले सब्जियाँ भी बनाते थे, लेकिन ये खिचड़ी बहुत ज़रूरी है। मक्की की रोटियाँ बनाते हैं, फिर उनको उनसे देवता मंडोर जी को पूजते हैं, उसके बाद जो है सारे गांव वाले घर को पुजाउस देते हैं। खिचड़ी मतलब जो बचती है, पुजाउस नहीं होती है, रजने लायक हो जाती है मतलब। तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि हनी गया था हमारे, और हनी लेके आया है खिचड़ी। तो मैं क्या करूँगी कि खिचड़ी तुड़कूंगी। तो जी, लिफाफे में ये बल्कि बर्तन नहीं लेके गए थे, सबको ऐसे लिफाफे में देते हैं। तो ये है खिचड़ी, ठीक है, नीचे प्लेट रखी हुई है। तो इसको मैं लगाऊंगी तुड़का। तो यहाँ पे मिर्ची डालना भूल गई, मिर्ची भी डालनी पड़ेगी इनको। तो देखो, मैंने हरी मिर्ची भी इसमें डाल दी, और दही बहुत अच्छा बना है। शाम सुबह को बनाया था मैंने, आज कल खट्टा तो होता ही नहीं। मोटा मोटा प्याज काटा, हरा धनिया भोरा है, अब डेली हरा धनिया पड़ा करेगा। इस बार बहुत गैप चला गया बिना धनिये के, है ना, तो हो जाएगा। ये जल्दी है इसकी, देखो मक्की की रोटी भी है ना, ये मक्की की रोटी भी बनती है, तो हमने साथ में लेके आ गया था। तो बस अभी हम इसको गर्म करेंगे और फिर इसको खा लेंगे। अब मैं मिला लेती हूँ इसको, थोड़ा पानी डाल देती हूँ, जैसे तड़का ना अच्छी तरह से लग जाता है। जीना है तो हंस के जियो, जीवन में रोना। ये देखो इस तरह से इसमें बढ़िया तड़का लग जाएगा कहीं कहीं। तो ये है जी सुबह का सन्नाटा, 5 बजे है, मैं उठ चुकी हूँ, और जो जो भी मेरे साथ साथ उठ जाता है, और ये देखो कहाँ बैठता है। मैं इसको बोलती हूँ हमेशा कि अंदर आकर, और ब्राग जो है यहाँ से घूमता है, ये सड़क है देखो दिख रही है थोड़ी थोड़ी सी, तो यहाँ से घूमता है। एक दिन हमारे काम वाले जा रहे थे घर को, तो उनको इसी मोड़ के ऊपर मिला, तो यही घूमता रहता है वो जो जो के लिए रात दिन यही। ये तो यहाँ पे ये जाली है और गेट है, थोड़ा सा क्या डर है ना यहाँ पे कि यहाँ पे हम एक गेट लगवाना पड़ेगा, क्योंकि वो इतनी लंबी छलांग लगाता है तेंदुआ वगैरह, तो यहाँ पे गेट लगवाएंगे। यहाँ पे नीचे वाला चाहे नहीं लगवाएंगे, लेकिन यहाँ पे जरूर लगवाना है, यहाँ पे वो ऊपर तक, बस फिर इसकी सेफ्टी हो जाएगी। बच्चों देखिए, देखो सुंदरी को देखो, चलो अंदर चलो, चलो अंदर चलो, ठंड है बच्चों, चलो यहाँ पे काम पे ए ना, अगर अंदर जाने को बोलते हो ना तो ए सो जाता है। चलो अंदर, चलो अंदर, अंदर जो जो अंदर चलो, चलो बच्चू जननी अंदर, जननी मम्मा, जननी, चलो तब यहाँ नहीं बैठना, पता नहीं क्या देखता रहता है, सुबह मेरे साथ उड़ जाएगा और बस नीचे को देखता रहेगा, भोंकता भी रहता है, अभी तो चुपचाप बैठा है अंदर। शानू बोलता रहता है मम्मी इसको जो बंद करो, इसको चुप करवाओ, इसको चुप करवाओ। तो ये है, और अभी कुछ नहीं दिख रहा है गाँव में, इक्का दुक्का लाइट्स चली हैं, पर वो भी पता है कौन सी है, जो वो नहीं होती दूसरी, और चंद्रमा जी ये देखो, आधा है चंद्रमा रात आधी, ये देखो वहां भी कुछ एक लाइटें जली हैं सुबह सवेरे, ऐसा होता है कुछ सुबह सुबह का। जो है मैंने पानी लगाया है गर्म करने को, मैं जाऊंगी गोया नहीं, दूध वगैरह पलट दिया, पहले पानी पी लेती हूँ, अभी थोड़ी देर बाद जाऊंगी। देखो अरे लाइट बड़ी किसी तो गए थे, अब इसको पहले अंदर कर लेती हूँ, मेरे को डर रहता है कि जोजू आ जाओ, आ जाओ मैं बच्चू, जोजू उठो उठो, चलो 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 उठो अंदर, चलो चलो आ जा, आ जाओ मैं पूछ, आ जा आ जा आ जा आ जा मेरे
गंदा बच्चा। अच्छा चलो आजा आजा। 5:24 हो चुके हैं। मैं सोच रही हूँ कि दाल डाल दूँ। दाल नहीं मिल रही है कहीं, शक्कर गिर भी या नीचे। ये देखो डब्बा ऊपर से छूटा। मैं मूंगी की दाल ढूंढ रही हूँ, मैंने दाल बनानी है। मैं दाल डाल दी मूंगी की, वो देखो मूंगी की दाल डाली मैंने। बस टाइम भी हो जाएगा 5:40 पे, ऐसे चले जाती हूँ मैं। उससे पहले मैं थोड़ा बहुत काम कर लेती हूँ। आज मैंने ना शाम को गैस नहीं वो की थी, आज मेरे को बुखार आ गया था। एक्चुअली खा लेती हूँ कई बार, कुछ ज़्यादा ही खा लेती हूँ क्योंकि सब्जियों में आजकल भूख ज़्यादा होती है। किस किस को भूख ज़्यादा होती है सब्जियों में बताना मुझे कमेंट करके। मुझे तो बहुत होती है, गर्मियों में नहीं मेरा मन करता खाना खुना खाने का। सर्दियों में मेरा लीवर ठीक हो जाता है, वैसे लीवर कमज़ोर है। तो अभी मैं आ गई हूँ गाय दूने। 5:40 ऊपर हो गया टाइम क्योंकि 6:30 बजे दूध की गाड़ी आ जाती है। गाय सो रही है। बाल्टियां ठंड, भाई ठंड बहुत ज्यादा है। सो रहे हैं बच्चे। तो चलिए अभी देते हैं गायों को खाना। सिया को आजकल ना बंद कर रखा है दरड़, क्योंकि उसका दूध उसको सुखा रहे हैं ना वो, उसको 2 महीने रखना है ड्राई पीरियड में, फिर इसमें डाल रही थी। 8वां महीना चल पड़ा है ना उसको, तो अभी ज्यादा खाने को देंगे तो फिर दूध बनाएगी, मतलब पिछला नहीं सुखाएगी। तो सिर्फ खाली उसको फीड फीड देते हैं और नहीं देते। तो ये है फीड। ये बच्ची को देखो कितनी सारी बोरियां आई हुई है, 1, 2, 3, 2 खत्म हो गई, 4 2 खत्म हो गई हैं, और 6 बोरियां तारा मीरा लेके रखा था हमने सिया को। आजकल तारा मीरा देते हैं, तारा मीरा ना वायु नहीं होने देता, प्रेग्नेंट पशु के लिए बहुत जरूरी होता है। ये देखो कितना सारा तो सीमेंट आया है यहाँ पे, इस सीमेंट की बोरियां रखी हैं। तो गाय दुके में आ गई, चाय के लिए दूध, बाकी डायरी में डालने के लिए रख दिया कैनी में। ठंडी ठंडी हवा है और अभी बनाएंगे हम चाय गर्मा गर्म। तो अभी बन रही है गर्मा गर्म चाय। चाय गर्मा गर्म ही होती है यार, क्या बोलती रहती है। ये चला गया जी अदरक। उफ, सुबह सुबह अदरक वाली चाय ना मजा आ जाता है पीने का। तो मैंने चाय में डाल दिया है दूध, और इधर ये दूध रखते हैं हम घर में यूज करने के लिए। और दाल हमारी पक गई है, मूंगी की दाल चाय में उबाल आने देते हैं। चलो जी हमारे चाय में आ चुका है उबाल। चाय को खूब 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 देर अगर काढ़े में तो बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। कई बोलते हैं काढ़ना नहीं चाहिए, अब पता नहीं। तो जी सुबह सुबह हनी पापा चले गए लकड़ियां लाने, मतलब थोड़े से लकड़ू लेके आऊंगे मैं पार से, और बहुत ज्यादा ठंड है, घास को भी नहीं जाया जाता आजकल सुबह सुबह। और तू क्या कर रहा है भाई यहाँ पे? अच्छा हनी के लिए हो रहा है, इतना खुश। देखो 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 हनी आया ना दूध देके, कितना खुश हो रहा है। देखो देख 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 पापा पापा खेल नु पाए साथ। हनी आ गया बाल्टियां लेके दूध की।
क्या गौट गए थी बड़ी जाओ अब शर्म बोल बोल जीजू तारे पावा खेलो जोजू चलेगा भैया चलेगा भैया देख दे कितने जल्दी का खड़ा नमस्ते नमस्ते करो नमस्ते नमस्ते करो चलो नमस्ते करो नमस्ते तब नहीं ठंडी धान ले बुकरा पंच क्यों हुआ तू क्यों हुआ तू हन्नी के पापा आ गए लकड़ियां लेके आजा आजा जोजू आजा आजा पकड़ ले पकड़ ले पकड़ ले आजा पकड़ 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 पूजी आजा वे जोजू आजा आजा आ फटाफट चलो रे जोजू जी हाँ धूप आ चुकी है जी पार पारली धार में आ गई धूप पारली धार में इनके मजे सुबह बांध देते हैं पशुओं को इनके धूप जल्दी आती है हमारे तो अभी 9 बजे आएगी इतना फर्क है और तो 2 बजे 3 बजे चल जाती है हाँ पर शाम को है कि उनके वही पड़ जाती है फिर शाम को उनको जल्दी पशु अंदर करने पड़ते 2-2.5 बजे उनकी धूप चली जाती है वहां से जोगिनी लकड़ियां आ गई ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ एक मिनट ये पता की आनी है मांग दे तू और चार दिन रुको ऐसा लगा आपको आज का वीडियो कमेंट करके जरूर बताना जय माता दी राम राम एंड करते हैं इसी के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना साथ में आप सबके लिए बहुत सारी दुआएं जैसे कि मैं हमेशा मांगती हूँ और आप सब हमेशा खुशी रहें सुखी रहें आपके